Good morning, students. Today we will start lecture 5 of chapter 9, that is wind, storm and cyclone. आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म के ड्यूरेशन में आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज और टावर. तो कोई भी टॉल स्ट्रक्चर हो उसमें हम शेल्टर नहीं लेते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि थंडरस्टॉर्म के टाइम लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और लाइटनिंग से जो टॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो उसके रिच में होते हैं और ये जल्दी से चार्ज होते हैं और इसी के थ्रू जो लाइटनिंग में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो डिस्चार्ज होता है अर्थ में. इसलिए कोई भी टॉल स्ट्रक्चर है उससे हम उसको हमें अवॉइड करना चाहिए शेल्टर के लिए. राइट, नेक्स्ट टेक शेल्टर इन टू ए कार और ए बस. अगर आप किसी ओपन जगह में हैं तो आप किसी कार या बस में शेल्टर ले सकते हैं. ओपन स्पेस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर. अगर आप घर में हैं तो आप किसी बिल्डिंग के आसपास है तो वहाँ पर ले सकते हैं इनसाइड ए बिल्डिंग. बट डू नॉट टच द मेटल पार्ट. इनमें जो मेटल पार्ट है या बिल्डिंग में भी कोई मेटलिक पार्ट है उसको आपको टच नहीं करना बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जब लाइटनिंग में जो चार्ज प्रेजेंट है वो अर्थ में पास होगा तो वो कंडक्टर के थ्रू पास होगा. राइट, स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज. जो भी वाटर बॉडीज हैं उनसे भी हमें अवे रहना है. क्यों? बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट, और थंडरस्टॉर्म के ड्यूरेशन में हमें बात भी नहीं करना चाहिए. राइट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और टेलीफोन क्योंकि इनमें भी कंडक्टर्स होते हैं तो उनको हमें टच नहीं करना चाहिए. लास्ट वन इज क्लोज द विंडो एंड डोर टाइटली. ड्रॉ ब्लाइंड ओवर द विंडो. इसमें क्या है, आप घर के अंदर हैं तो डोर और विंडो को टाइटली क्लोज कर दें क्योंकि थंडरस्टॉर्म के टाइम जो विंड की स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होता है और उसकी वजह से ब्रेक हो सकते हैं और ब्रेक होकर ये हाउस में इधर उधर बिखर जाएंगे. तो उसको रोकने के लिए हम कर्टेन लगा सकते हैं विंडो ताकि जो ग्लास के पीसेज हैं वो इधर उधर स्कैटर ना हो. राइट, और नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर इंस्ट्रूमेंट. तो इससे हम वेदर की स्टडी करें दैट आर वेदर इंस्ट्रूमेंट. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द वेदर. अब इनमें हम मेनली दो को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज विंड वेन और वेदर कॉक. अब विंड वेन से हम क्या मेजर करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? तो जो डायरेक्शन ऑफ विंड है, जो विंड ब्लो कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम विंड वेन यूज करते हैं. तो आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसके ऊपर एक क्रॉस होता है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा लिखा होता है और इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर होता है. कई बार देखा होगा कुछ हैंड का स्ट्रक्चर बना होता है तो ये रोटेट होता है और स्ट्रक्चर की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाता है और उससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि विंड किस डायरेक्शन से फ्लो. राइट, नेक्स्ट इज एनीमोमीटर. एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड. जो विंड ब्लो कर रही है उस विंड की स्पीड क्या है उसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर. इसको आप बना भी सकते हैं घर पर, सिंपल है, एक एक्टिविटी है वो मैं आपको इसके साथ भेज दूंगा, आप उसको ट्राई कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्ट. वेदर फोरकास्ट क्या है, जिससे हमें वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको फोरकास्ट करते हैं. क्या किया जाता है इसमें,
प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर टू कम, जो भी आने वाला वेदर है उसकी इंफॉर्मेशन कि वो कैसा होने वाला है, कि नॉर्मल रहेगा या ज्यादा वाइल्ड होगा, रेन होगी, स्ट्रॉन्ग होगा, साइक्लोन, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है हम कलेक्ट करते हैं और उसे फोरकास्ट करते हैं ताकि जो पीपल्स हैं जहां पर इसका अफेक्ट हो सकता है वो प्रिपेयर हो जाए। इंडिया में ये जो काम करते हैं वेदर फोरकास्ट का, ये करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। तो इंडिया में इसको जो फंक्शन करता है वो ये करता है, और ये किसकी हेल्प से करता है, यूजिंग इनसेट सैटेलाइट एंड साइक्लोन डिटेक्शन रेडार, इन दोनों की हेल्प से ये वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे फोरकास्ट करते हैं, राइट। अब इसको समझते हैं क्या है। तो अभी हमने ये देखा वेदर फोरकास्ट में किसकी हेल्प ली जाती है, सैटेलाइट, विच सैटेलाइट, इनसेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल एंड फॉर नेशनल और SAT सैटेलाइट। तो एक सिस्टम है, एक सैटेलाइट नहीं है, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, उनका एक सिस्टम है, राइट। तो उनसे एंड CDR दैट इज साइक्लोन डिटेक्शन रेडार। तो ये जनरली कोस्टल एरिया पर माउंट होते हैं, तो हमारे कोस्टल एरिया में एक ईस्ट कोस्ट है, एक वेस्ट कोस्ट है। तो ईस्ट कोस्ट में ऐसे 6 CDR लगे हैं और वेस्ट में 4, तो टोटल इंडिया में 10 साइक्लोन डिटेक्शन रेडार इंस्टॉल्ड, जो साइक्लोन जो डेवलप होते हैं ऑस्ट्रेलिया में उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब हम इनसेट सैटेलाइट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट और एक को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं कि किसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे और किसको पोलर। जो इनसेट सैटेलाइट है इसका जो फंक्शन है वो होता है टेली कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग, जो टीवी पर आप देखते हैं, लाइव मैच देखते हैं, तो वो इसी की हेल्प से किया जाता है। अभी हमने वेदर इंफॉर्मेशन के लिए देखा, तो मेट्रो, लॉसी, सर्च एंड रिक्यूज, जैसे आपने देखा होगा इंडिया ने बहुत सारे ऑपरेशन किए, तो अभी जो स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में तो उसमें भी इसका यूज किया गया, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, रूट को ट्रैक करने के लिए, तो इन सभी में इनका यूज किया जाता है। अब देखते हैं जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। सपोज ये अर्थ की हमने सीख ली, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ये इक्वेटर है। अगर कोई सैटेलाइट, क्योंकि अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो अगर कोई सैटेलाइट नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरह से रोटेट, नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है अर्थ के अराउंड, तो इनको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, राइट। लेकिन कोई इक्वेटर के अलोंग इस तरह से रोटेट करे, इस तरह से, तो ये होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब स्टेशनरी का मीनिंग होता है फिक्स एट ए पॉइंट और जियो का मतलब अर्थ। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो अर्थ जो है, अगर हम इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट करती है, राइट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, तभी आपको सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसका जो रोटेशन पीरियड है तो लगभग 24 आवर्स है। ये अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी जो रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है अर्थ के अराउंड, वो भी 24 आवर्स होता है। तो अगर एक सैटेलाइट हमने ये यहां पर इसको फिक्स कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, यहां पर फिक्स कर दिया है किसी ऑर्बिट में,
तो ये हमेशा इसी पोर्शन को चेक करता रहेगा अर्थ के जो इसके सामने है, जो अर्थ के सामने इस पोर्शन को ये चेक कर रहा है। और अर्थ के क्योंकि इनका रोटेशन सेम है और सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन भी सेम है 24 आवर्स, तो दोनों उसी पॉइंट को देखते रहेंगे। सैटेलाइट हमेशा अर्थ के एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखता हुआ रिवॉल्व करेगा। तो ये फिक्स होता है कि हर हर एक जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है वो फिक्स पॉइंट को ही एनालाइज करता है, इसलिए इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब क्लियर है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं और पोलर सैटेलाइट किसे कहते हैं, राइट? और आगे कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं कि साइक्लोन को और किस नाम से जानते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन क्या होता है, तो ये सब हम क्योंकि एनटीएसए से रिलेटेड है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।